हाय गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम शेक्सी.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 60। आज हम बूटस्ट्रैप का क्रॉसल देखते हैं कि हम क्रॉसल कैसे यूज कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप का कुछ इस तरीके का क्रॉसल है, जो बहुत ही मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है क्यूट लगता है, बिकॉज इससे ज़्यादा अच्छे क्रॉसल हमें मिलेंगे ही नहीं। बहरहाल, क्रॉसल के बारे में देखते हैं कि क्रॉसल हम कैसे मैनेज कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप एंड जेक्यूरी को छोड़ दें फिलहाल के लिए। आप तो स्टार्ट करते हैं। आप ये क्रॉसल है बाय डिफॉल्ट इनका, एंड ये आप बुलेट्स देख सकते हैं, एंड ये पूरी कोडिंग है क्रॉसल की, जो बाय डिफॉल्ट जो है वो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लिक करते हैं एंड हम वापस अपने जो है एडिटर की तरफ आते हैं। मेक श्योर हम बूटस्ट्रैप सीरीज की काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सी एस एस बूटस्ट्रैप की सीसेस अटैच की हुई है। उसके बाद में हमने जेक्यूरी की फाइल अटैच की हुई है। उसके बाद में हमने बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट जे एस की फाइल अटैच की हुई है। ये सी डी एन है। अगर आपको सी डी एन के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। ये फाइल्स जो हैं बूटस्ट्रैप के सर्वर पर रखी हुई हैं। ये फाइल जे क्यू री की फाइल जो है जे क्यू री के सर्वर पर रखी हुई है। हम जस्ट इन्हें अटैच जो है कर रहे हैं एंड हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप पूरा पूरा पैकेज जो है डाउनलोड करें और अपने फोल्डर के अंदर रखें, तो वो आपके स्पेस लेता है बहुत ज़्यादा। तो अब पैकेज भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड बाद में अटैच करवा सकते हैं फाइल्स, एंड आप इस तरीके से भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वो पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम वापस जो है रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको स्लाइडर जो है वो दिखाई देगा। अब वो ये क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज हमने उसे इमेजेस नहीं दी हुई। मेक श्योर इमेजेस का आप जहाँ भी रखेंगे उसका पाथ देना होगा। मेरी जो है रूट की डायरेक्टरी में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है, वहीं पे जो है इमेज रखी हुई है। अगर मैंने इमेज जो है एक फोल्डर यहाँ बनाया होता, इमेजेस, इमेजेस का फोल्डर है मेरे पास, एंड देन कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इमेज। ठीक है, तो आप पाथ जो है वो याद रखेंगे। अब यहाँ पे रैपर इनसाइड, यहाँ पे इमेज है, आप देख सकते हैं कि ये बुलेट्स हैं आपके अनऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, और ये यहाँ से क्रॉसल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है आपका क्रॉसल। ठीक है, ये बुलेट्स हैं आपके और ये रैपर है आपका क्रॉसल का। यहाँ पे आने के बाद आप जो है वो देंगे इमेज, देंगे शेक्सी डॉट जे पी जी के नाम से मेरे पास इमेज है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन आपके पास इमेज आ चुकी है, बट आपके पास सेकंड में इमेज नहीं होगी, इसी वजह से वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि सेकंड में इमेज देते हैं, बट इस दफ़ा हम वो देंगे, हमने अभी अभी इमेजेस का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर शेक्सी डॉट जे पी जी की इमेज रखी हुई है। अगर आपके पास इमेजेस फोल्डर के अंदर हैं तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो दोनों आपके क्रॉसल चल रहे होंगे। ये दोनों क्रॉसल आपके चल रहे हैं, ये प्रीवियस का है, ये नेक्स्ट का है। अब जो ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट, ये दो चीज़ें हैं वो आपकी, ये हैं ये प्रीवियस एंड ये नेक्स्ट। इनमें आप कस्टमाइजेशन करें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव है, एक्टिव की क्लास लगी हुई है, तो ये एक्टिव है। अगर आप एक्टिव की क्लास इसे लगा दें तो बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये एक्टिव की क्लास हम वापस ठीक करते हैं। एक्टिव की क्लास ठीक हुई। उसके बाद में आप अगर बढ़ाना चाहते हैं अपने क्रॉसल के इमेजेस, तो जस्ट आप अपने एडिटर में आएंगे एंड यहाँ पे रैपर के अंदर आप लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे क्रॉसल जो है वो कैप्शन देना चाहते हैं, क्रॉसल कैप्शन मींस कुछ लिखना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं लिखता हूँ H2 एंड मैं लिखता हूँ वेलकम इन शेक्सी.com। ठीक है, ऐसा ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वेलकम इन शेक्सी.com। वापस आएंगे हम, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम इन शेक्सी.com लिखा हुआ आ गया। आप चाहे इसे आईडी दें, क्लास दें एंड इसे रंगीन करें, कलरिंग दें, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वेलकम इन शेक्सी.com, वेलकम इन शेक्सी.com। ठीक है, उसके बाद में ये जो बुलेट्स हैं आपके पास, थ्री बुलेट्स बनी हुई हैं 0, 1, 2, 3। हम ये देखें, ये जीरो पे ये है, वन पे भी है, लेकिन थर्ड वन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी स्लाइड नहीं होगा, बिकॉज आपने यहाँ पे दो इमेजेस रखी हुई हैं, दो स्लाइड्स रखे हुए हैं। हम यहाँ पे आने के बाद क्लिक करते हैं आइटम्स, ये जो आइटम है यहाँ से क्लिक करते हैं यहाँ तक, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आइटम यहाँ से लेके यहाँ तक है। हमने यहीं से क्लिक किया एंड
पेस्ट कर दिया, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब ये थर्ड वन भी चलेगा, ठीक है। तो देखें ये थर्ड वन भी चल रहा है आपका, ये जो थर्ड वेबलेट थी आपकी ये भी चल रही है। तो हम वापस आते हैं, अगर आपने दो और भी ऐड करने हैं तो यहाँ पे वन टू दो और भी आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अब दो और तो आपने ऐड कर दिए, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, फाइव तो हो गए, बट यहाँ पे बुलेट्स जो है वो थ्री ही शो हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर आना होगा, ये जो बुलेट्स आ रहे हैं, जस्ट जो है बुलेट्स को कॉपी करेंगे आप, एंड यहाँ पे दो और भी बुलेट्स लगाएंगे, एंड इन्हें जो है वो नंबरिंग देंगे थ्री एंड फोर। अगर आप नहीं देंगे, ये देखें, क्लिक किया आपका चला, अगर आप थ्री एंड फोर नहीं देंगे तो वो आपका नहीं चलेगा, देखें, एंड वो जंप कर रहा है उसी के ऊपर, ठीक है। तो थ्री एंड फोर देना लाजमी है बिकॉज सीरीज चल रही है ये आपकी, ठीक है। उसके बाद में जो है आपने नेक्स्ट और जो है वो प्रीवियस पे अगर सेटिंग करनी है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, ये नेक्स्ट एंड प्रीवियस है, ये देखिए नेक्स्ट एंड प्रीवियस यहाँ पे, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एंड प्रीवियस का होगा, ये देखिए नेक्स्ट एंड प्रीवियस, ये नेक्स्ट है एंड ये प्रीवियस है, ये देखें, ये जो आपका ये शेडो शो हो रहा है, ये शेडो ये कहाँ से शो हो रहा है, राइट वन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, हम देखते हैं कि शेडो कहाँ से हो रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, एंड ये देखें, ठीक है, एंड शेडो यहीं पे ही बैकग्राउंड कलर, ये एंकर है, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद ये कलर आप इनके जो है अब ये देखेंगे व्हाइट है बाय डिफॉल्ट, अगर आप जो है रेड करेंगे इनका तो ये रेड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, एंड यहीं पे ही आपका बैकग्राउंड कलर आ रहा होगा RGBA, यहीं पे ही RGBA कलर। तो बहरहाल आप यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा चूज़ करने के लिए, बिकॉज मैं ये क्रॉप यूज़ नहीं करता और ये बहुत ही बेसिक है। तो आप ऐसे जो है चेंजेस कर सकते हैं, आप जो है क्रॉजल को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। आप जैसे ही नीचे आएंगे तो ये आपको ये भी क्रॉजल देगा कि आप ऐसे जो है वो लगा सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि भाई ये H1 दिया आपने, उसके बाद हेडिंग दिया आपने, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूजेज आपको बताया जा रहा है कि भाई आप जो है GQD के अंदर ऐसे यूज़ कर सकते हैं और क्रॉजल को ऐसे सेट कर सकते हैं, क्रॉसल को पास कर सकते हैं, नंबर्स बता सकते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट बता सकते हैं, इवेंट बना सकते हैं। तो ये पिछले बहुत ज़्यादा जो है वो लेक्चर्स में हमने जो है डिफाइन कर दिया था। तो हमारा JS का सेक्शन जो है वो तकरीबन यहाँ पे वो पूरा हो चुका है, एंड उम्मीद है आपने जो है इन्जॉय किया होगा JS का सेक्शन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें प्लीज़ जो है ज़रूर इन्फॉर्म करें कि हम आपको हमारी क्या चीज़ जो है वो ठीक नहीं लगी, क्या चीज़ें हमें दोबारा रिपीट करनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।